कर चुके हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं मे बी सभी ने तोबा की हुई है, लेकिन सच्ची तोबा क्या है? क्या हमने तोबा की है? क्या हमारा मन उन पापों से दूर हो चुका है? क्या हमारी थिंकिंग उन पापों से दूर हो चुकी है जो पहले थी मसीह में आने से? क्या आज भी हम वही सोच रहे हैं जो पहले थे जब परमेश्वर हम नहीं जानते थे? क्या आज हमारी जिंदगी में वाकई वो काम हो चुका है जिस चीज के लिए हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं? क्योंकि तो तोबा ऐसी चीज है कि हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम वो सारे काम जो पहले करते थे जब हम मसीह में नहीं थे, हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनसे अपने आप को जुदा कर लेते हैं कि आज के बाद वो काम मैं नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में जो मैं पहले करता था और जिसकी वजह से मेरी आशीषें रुकी हुई थी मेरी जिंदगी में। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं तोबा के मतलब को, उसका मतलब अपने मन को फिराना उन चीजों से, उन बातों से जो आप पहले करते थे अपनी लाइफ में, जब आप परमेश्वर से दूर थे, जब आप लोगों को धोखा देते थे, लोगों के साथ ठगी चोरी निंदा चुगली करते थे, लेकिन अगर आपने तोबा की है तो अब आपकी जो तोबा है वो एक सच्ची तोबा होनी चाहिए। इसमें क्या आपका वो पहला काम जो आपने पहले किया था आज अपनी जिंदगी से उसको दूर करना होगा। हालेलुया। जब हम इसका मतलब पढ़ते हैं जो ग्रीक भाषा में इसका मतलब है, इसका मतलब है टू चेंज योर माइंड, इसमें कि अपने दिमाग को बदलना, अपने सोचने का तरीकों को बदलना कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। हालेलुया। जब हम पहले सोचते थे हम अपने दुनियावी तरीके से सोचते थे, क्या तरीका था? मैं ऐसा काम करूंगा कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। अब क्या, अब आपको सोचने का तरीका चेंज करना है, अब आपको बाइबल में से सोचना है, परमेश्वर की आवाज सुनकर ही सोचना है कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या जिस काम को मैं शुरू कर रहा हूं परमेश्वर की मर्जी उसमें है? आज बहुत सारे काम हम शुरू करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि हमारी वो फ्री थिंकिंग है वो परमेश्वर के साथ अटैच नहीं है, वो हम अपनी सोचने से कर रहे हैं, और जब वो काम नहीं होता हम परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर मैं तो इतना वफादार हूं फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। हालेलुया। उसको बात पड़ता है जिस चीज का मतलब हिब्रू में है, हिब्रू में इसका मतलब है टर्न अराउंड, कि अपने आप को पूरा घुमा लेना। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर की पीठ दिखा के चलते थे कि परमेश्वर को वचन हम नहीं जानते थे, जब हम हिब्रू लैंग्वेज को पढ़ते हैं तोबा का मतलब टर्न अराउंड, अपने आप को 180 डिग्री घुमा लेना, कि जहां पर पहले आप परमेश्वर को पीठ दिखाते थे अब आप फेस दिखा रहे हैं परमेश्वर को, क्या आप परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हो परमेश्वर सामने? जब आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे तब जाके आपकी जो तोबा होगी, आपके जो वचन होगा, आपके अंदर होगा, आपकी वो सच्ची तोबा बननी चाहिए। हालेलुया। उसके बाद आज मैं खोलूंगा मत्ती को उसका 4 उसकी 17 आयत को।